विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। एमपी के कटनी में सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हुआ। धमाका जोरदार था। तस्वीरें बिजली कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित दूरदर्शन कार्यालय के पास लगे ट्रांसफार्मर की हैं। दरअसल बीते दिन जिले में चंद घंटों की बारिश हुई और शाम 6 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरा शहर अंधकार में डूबा रहा। जगह जगह ट्रांसफार्मर के खराब होने और ब्लास्ट होने की खबर पूरी रात आती रही। जिले के एमपीईबी के मेन अधिकारी एसी संजय रोहरा का भी मानना है कि बारिश की वजह से लाइट ट्रिप हो गई और लंबे समय तक शहर अंधेरे में रहा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि ये सब समस्या शहर की मेन लाइन आपस में सटने की वजह से हुई है और शहर के कई ट्रांसफार्मर जम्पर जलने लगे, जिससे 6 घंटों तक अंधेरा पसर गया। इसके बाद अधिकारी कर्मचारियों ने व्यवस्था को दुरुस्त कराया। घटिया मटेरियल की बात पर उन्होंने कहा कि इस मामले में भी जांच कराई जा रही है और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं बोलना चाहूँगा कि जरूर अभी विगत दिनों में कुछ समस्याएं आई हैं, उसके कुछ टेक्निकल कारण थे, तो जिसके कारण कि थोड़ा ब्रेकडाउन लंबा हो गया, तो उसको मैं चिन्हित कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा, अभी एक ये रेलवे की कॉलोनी है जिसको NKJ के पास बताया जा रहा है, तो उस जगह परसों समस्या आई थी, तो उसमें हमने जब देखा तो एक हमारा 33 KV पे दो तार आपस में लड़ गए थे। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ, तो उसके कारण कई जगह के जंपर निकल गए और उसके कारण हमें लाइन चालू करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगने लगा। तो निश्चित रूप से कुछ कुछ समस्याएँ हैं, पर मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम इसका निराकरण करेंगे। और इसके लिए कल 21 तारीख को मैंने एक मैराथन मीटिंग ली हमारे सभी JEE, AEEE और DEE की। करीब 5-5.5 घंटे हमारी मीटिंग चली और जिसमें सबसे पहले यही सबको बताया गया कि मेंटेनेंस, उपभोक्ताओं को बिजली सुचारू रूप से देना, ये हमारी प्राथमिकता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा हूँ और उम्मीद है आप सबके सहयोग से उसमें सफल भी होऊंगा। सर, जिस तरीके से कल 6 बजे से कंटिन्यू रात के 12 बजे तक करीबन, मतलब 6 घंटे तक पूरा शहर अंधेरे पे डूबा था और एक ब्लास्ट की वीडियो भी, जो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ था उसकी भी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, इसका कारण क्या है? इसमें एक तो ये था कि कल शाम को कुछ एक क्षेत्र में फॉल्ट आया था, जैसे कि यहाँ पर 11 KV डन फीडर है और एक मैं फीडर हो सकता नाम पूरा कटिया घाट या ऐसा कुछ करके है, कटाया घाट करके, तो यहाँ पर फॉल्ट आया था। तो इसमें मैं खुद जैसे मुझे पता लगा, तो मैं मीटिंग के बाद में करीब 6:30-7 बजे पता लगा, तो मैं जैसे ही ये एरिया का बंद हुआ तो मैं स्वयं जाके यहाँ हमारा गणेश चौक पे जो कंट्रोल रूम है, मैं स्वयं जाके बैठ के वहाँ पर मैंने 2-2.5 घंटे बैठा रहा, निगरानी करी और फिर फीडर जैसे हमारे स्टाफ को इमीडिएट दौड़ाया। तो जैसे जो आप एक ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, वो दूरदर्शन के पास में एक ट्रांसफार्मर के पास ये घटना हुई थी और उसमें क्या था, एक बहुत बड़ी डाली गिरी हुई थी लाइन के ऊपर, तो जिसके कारण कि उसमें थोड़ा सा समय लगा और ये समस्या आई। तो उसके अलावा ये आप जो अंडरब्रिज है जो मिशन चौक के आगे जाते हैं, तो वो अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ था, तो ये हमें मैसेज आया था कि ये पानी के कारण, क्योंकि पानी भर गया था तो ट्रांसफार्मर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के नज़दीक आ गया था और उसमें अगर पानी पहुंच जाता तो उस क्षेत्र में करंट फैलने की संभावना थी। तो जैसे ये पता लगा तत्काल रूप से वो कटाया घाट फीडर बंद कराया गया और उसके बाद सभी अधिकारी लगे रहे और एक एक करके क्षेत्र फिर हमने चालू कराया। सर, दिक्कत ये भी सुनने में आया है कि जो मटेरियल MPP द्वारा खरीदा गया है वो भी घटिया मटेरियल है, जो कि एक बारिश भी नहीं झेल पाते हैं और ये खराब हो जाते हैं। नहीं, इस बारे में थोड़ा सा मैं आपके संज्ञान में लाना, आपके नॉलेज में लाना चाहूँगा, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी मटेरियल MPP खरीदता है तो वो NABL लैब होती है एक, उससे हम लोग सर्टिफाई करवा के उससे पास करा के आता है, तो ये कहना ठीक नहीं है। ये ज़रूर है कि कुछ कई जगह जैसे
अभी कोरोना भी रहा तो मेंटेनेंस में कुछ शॉर्टकमिंग्स रह गई होंगी, पर मटेरियल तो पूरा टेस्टेड आता है और दो तीन स्तर पर टेस्ट होता है एक मटेरियल, तो ऐसे मटेरियल की मुझे तो नहीं संभावना दिखती ऐसे कुछ इस तरीके की अगर कोई भी घटना मेरे संज्ञान में आती है। वैसे मैं आपको बता दूँ इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी मीटिंग में इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, और क्योंकि कुछ वो ऑफिशियल क्या मुझे उसमें एक्शन लेना है ये मेरे नॉलेज में है और मैंने मेरे प्लानिंग में भी है, तो वो ऑल ऑफ अ सडन वो कार्रवाई जब जैसी ज़रूरत फील होगी वो आपको आने वाले समय में दिखेगी, वो मेरे नॉलेज में है। क्योंकि जो अगर मान लीजिए ये बातें कहीं से उठ रही हैं तो हो सकता है उसमें कुछ सत्यता हो, तो मैं उसको अपने लेवल पर मैं वेरीफाई करूँगा और जब उसमें अगर कुछ पाया जाएगा या कुछ वो कार्रवाई हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बताना इस समय उचित नहीं होगा। मेरा नाम संजय अरोरा है भाई साहब। कटनी से अमरत आम्रकार, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041, 8720042083।